हेलो एन यू वॉचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। आज हम ऐसे स्टोर को शूट करने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो करने जा रहे हैं जो दो वजहों से हमारे बहुत करीब होगा। इसलिए एक तो हमने जब उनका वीडियो करीब एक साल पहले किया था, तब से अब तक उन्होंने एक अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर ली है। दूसरे जो हम प्रोडक्ट इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्नीचर पर हम बहुत खर्चा करते हैं, अपनी बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं, बट इट गोज़ कम्प्लीटली टोटली इन रेन एंड वेन इफ़ दी वॉल पेपर्स आर नॉट करेक्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस लॉट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग बहुत क्रिएटिव डिस्कशन करने वाले हैं। वॉच इट प्रॉपरली, आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस वीडियो, स्टार्टिंग विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। हेलो सफलता जी। हेलो। हेलो रोहित जी। हेलो। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। जब भी हम बोलते हैं कि फिर से आपका स्वागत है, इसका मतलब हम लोग दोबारा मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। सो सीज़न टू है आपके साथ में और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने पहले रेड एंड वाइट कंपनी को जहाँ पे शूट किया था, डिफरेंट लोकेशन थी, और आज हम दूसरी लोकेशन पे हैं। जस्ट टेल अस अबाउट दी लोकेशन थोड़ा सा और कंपनी के बारे में। हमारी जो कंपनी का नाम है ये रेड एंड वाइन डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। हमारा जो ये स्टोर है ये कीर्ति नगर में है, कीर्ति नगर मेन मार्केट में आप आ जाएंगे। किसी तरीके से अगर एड्रेस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। सुपर कूल, वेरी फास्ट, वेरी रैपिड। सो रोहित जी, ये जो सवाल है मेरा ये आपसे है बेसिकली, कि हम किन किन चीज़ों में डील करते हैं। देखिए, हमारा मेजर फोकस प्रोडक्ट वॉलपेपर्स है। वॉलपेपर्स के अलावा हम लोग आर्टिफिशियल ग्रास, फॉर्म पैनल्स, पीवीसी पैनल्स में भी डील करते हैं जी। तो फोकस्ड एरिया हमारा वॉलपेपर्स रहता है। ओके। और अब मैं आपको बता दूं, हमारी जो एक्सपीरियंस रहा हमारा पिछले वीडियो से और हमें जो कस्टमर फीडबैक आया है कि क्यों क्लैपट्रैप का फेवरेट हो गया है रेड एंड वाइन, क्योंकि बहुत अच्छा आपका रिव्यू आया था, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस थी, और वॉलपेपर्स को लेके जो मेरे दिमाग में डाउट्स थे वो सारे के सारे वीडियोस से तो क्लियर हुए ऑफ कोर्स, और उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए हमें कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा आया था, क्योंकि वॉलपेपर्स की क्वालिटी आपकी मतलब ए ग्रेड में है। सो दिस इज़ माय फेवरेट स्टोर। पर्सनली आई रेकमेंड एवरीबडी कि आप यहाँ से परचेज करिए, क्योंकि आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यस, हमारा फोकस्ड एरिया भी यही है। ओके। वॉलपेपर्स में एक डिज़ाइन सिलेक्शंस जो हम करते हैं वो हमारी यूनिक रहती है। मैडम का मेन रोल रहता है डिज़ाइन सिलेक्शंस को लेकर। मेरे लिए, मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ, मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कस्टमर जब आपके पास आता है तो वो सिर्फ अपना घर सजाने के पॉइंट से नहीं आता, एक फेथ से आता है। बिल्कुल। और उसका उनका क्या मतलब, उनका कितना लेना चाहते हैं, वो किस रेंज में अपना वॉलपेपर प्रोडक्ट अपना बाय करना चाहते हैं, वो सबसे पहले मैं कस्टमर से क्लियर करती हूँ। मेरे पास यहाँ जो रेंज होती है वो 500 रुपये से लेके 5000 तक की रेंज होती है। ओके। तो कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर उनका बजट 500 रुपये का है तो यहाँ वो भी मिलेगा, और वो भी प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर मिलेगा। 500 रुपये का रोल कोई ख़राब रोल नहीं होता, हमारे पास जो भी होता है वो ए ग्रेड के होते हैं, हम स्क्रैप में डील नहीं करते। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं 500 या 800 की रेंज में, रीज़न ये होता है कि कुछ रोज जो हमारे पास क्वान्टिटी आती है वो थोड़ी कम रह जाती है, तो यहाँ कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है। इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। इन्होंने बोला ए ग्रेड बी ग्रेड, काफी सारे व्यूअर्स नए भी होंगे हमारे चैनल पे और काफी टाइम फर्स्ट टाइमर यूजर्स भी हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते ए ग्रेड बी ग्रेड क्या होता है जी। बेसिकली मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, बी ग्रेड इज अ वॉलपेपर जो कंपनी की प्रोडक्शन के अंदर रिजेक्शंस निकलती है। अच्छा। विच इज इंडिया जीरो, काफ़ी बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं, काफ़ी इंपोर्ट तरह की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं इंडिया में, तो स्क्रैप बैंक्स भी बहुत सारी हैं इंटरनेशनली और इंडिया में आती भी हैं और वो बिकती भी, इसलिए वो नॉर्मली आपको सस्ती रेंज में इस तरह के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, बट हम लोग सेकेंड ग्रेड वॉलपेपर्स में डील नहीं करते। okay. इसको हम बी ग्रेड कहते हैं। एक अच्छी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो दैट इज रिजेक्शंस ऑफ एवरी कंपनी, तो उस रिजेक्शंस में हम डील नहीं करते जी। हम लोग ए ग्रेड्स के वॉलपेपर्स में ही डील करते हैं। एंड टू यू रोहित जी, एंड बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग दैट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि यू मेक अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड क्रिएटिविटी। ओके, बिकॉज रोहित जी आप डील करते हैं होलसेल में, right. और आप क्रिएटिव हैं, आप डिज़ाइनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है आपके पास, आपके एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट दैट्स द काइंड ऑफ फीडबैक आई वाज गेटिंग फॉर माय व्यूअर्स, कि सफलता जी के पास डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आज हम वो भी आपसे लेंगे। बट स्टार्ट करते हैं, रोहित जी से पहले पूछेंगे कि जो हमारे होलसेलर्स हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं।
होलसेलर्स हम पैन इंडिया भी डिलीवरी करते हैं, पैन इंडिया नेटवर्क है हमारा जिसमें हमारे पास जितने भी काफी लोग नए भी जुड़े हैं बिजनेस के अंदर, मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा जो लोग नया बिजनेस सर्च कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो ये वॉलपेपर इंडस्ट्री इज अ गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसका बहुत स्ट्रांग है तो वो इस बिजनेस में आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो हम डिटेल्स उनको शेयर कर देंगे किस किस तरीके से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी रहा जो करेंटली हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, पैन इंडिया नेटवर्क है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो काफ़ी लोग नए हैं इस बिजनेस में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड भी इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड नहीं है। बट आफ्टर दैट क्योंकि बेसिक हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कस्टमर को चाहिए जिस तरीके से डिज़ाइन करना। देखिए वॉलपेपर इंडस्ट्री के अंदर मेजर रोल जो है कॉम्बिनेशंस का है, इंटीरियर के अंदर मेजर रोल कॉम्बिनेशंस का है, किस तरह के कॉम्बिनेशंस आप कस्टमर को दे रहे हैं जिसका उससे उसका घर अच्छा लगे right. तो यही गाइडेंस हमारी हमारे आमिन डीलर्स को भी रहती है। उसके साथ साथ हमारी डिज़ाइन सिलेक्शंस ऐसी रहती है कि जो उनके फ्लोर पे, देखिए दो तरह का मार्केट इंडस्ट्री है, वन इज़ प्रोडक्ट बिकता है, सस्ता बिकता है, बहुत मिलता है, तो दो तरह के बायर्स हैं। हम अपने बायर्स को यही कहना चाहते हैं कि आप वो प्रोडक्ट किस लिए चाहिए पहले अपना मोटो क्लियर कीजिए। आपको वो प्रोडक्ट अपनी शेल्फ को फिल करने के लिए चाहिए या पॉकेट को फिल करने के लिए चाहिए, तो हम ऐसी सिलेक्शंस रखते हैं कि जो उनके फ्लोर पे जाए, फटाफट मूव हो, कस्टमर्स को एक्सेप्ट करे, फटाफट मूव हो और वो बड़ी जल्दी अपनी ROI निकाले। ओके राइट, तो बेसिकली आपसे जब आप, मैं जो समझ रहा हूँ अभी कि आपसे कनेक्ट होना चाहें तो आपसे वो अपना इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, अपना खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ्स जो हैं अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए किसी भी बिजनेस में आप एंटर करते हैं, डोंट टेक इट एज अ ट्रायल बिजनेस, क्योंकि काफी लोग मुझसे क्वेरी करते हैं सर कितना कम से कम कितना में शुरू हो जाएगा, कम से कम कितने में हो जाएगा। सो कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सक्सेस नहीं होने देता जी। तो एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक हैप्पी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस हैप्पी इन्वेस्टमेंट को अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट। तो ये हम और सफलता मैडम से मैं बात करूंगा अभी क्रिएटिविटी की और रिटेल बिजनेस की। तो आप रिटेल देखते हो मेनली एंड क्रिएटिव पार्ट भी आप देखते हो, तो आप क्या फेस करते हो मेनली जो हमारे जो बायर्स रहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं आपके पास आते हैं, जनरली उनको क्या क्रिएटिव इश्यूज होते हैं वॉलपेपर चूज करने में? हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं उनका मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि देखिए सब कस्टमर्स को नहीं पता होता कि वॉलपेपर लगा, हर इंसान अपना घर को अच्छा दिखाना चाहता है राइट, तो वो चाहते हैं हमारे घर में इंटीरियर हो क्योंकि इंटीरियर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, तो इसका गाइडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर इंटीरियर गाइडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सपोज कीजिए आपकी वॉल्स का कलर ब्लू है, आप पूरा तीनों वॉल्स को नहीं चेंज करना चाहते, आप उसके अकॉर्डिंग एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने सपोज करिए आए और ग्रीन पिंक या कोई भी कलर का ऐसा वॉलपेपर ले लिया जो उस वॉलपेपर बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा उनके उस इंटीरियर से जी। तो वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे जो इंटीरियर गाइडेंस होती है हम कस्टमर को ये गाइड कर देते हैं कि आप कौन सी चीज़ कहाँ लगाइए, क्योंकि अगर आपका फर्नीचर का कलर, आपका रूम का कलर, आपके रूम अगर बड़ा है या छोटा है ये भी वॉलपेपर पे बहुत डिपेंड। अगर लाइट कलर आप यूज़ करते हैं अपने रूम में तो बट ऑब्वियस है वो रूम स्पेशियस लगता है, आप डार्क कलर यूज़ करते हैं कोई एरिया बहुत बड़ा है तो वहाँ हम उनको गाइड करते हैं कि आप डार्क कलर यूज़ कीजिए कि वो एरिया थोड़ा सा छोटा लगे जी, जी। तो वॉलपेपर इंटीरियर के हिसाब से लगाने वाली चीज़ है, कुछ भी लिया और लगा दिया ऐसा नहीं है। तो कस्टमर्स को मैं प्लीज़ बोलूँगी यहाँ उनका और हमारा दोनों का टाइम सेव होता है। मैं अपनी हर वीडियोज़ में ये चीज़ क्लियर करती हूँ, जब भी हमारे पास आइए दो बातें हमेशा याद रखिए, एक तो वॉल के साइजेस लेके आइए, दूसरा अगर हो सके तो इंटीरियर इमेजेस जहाँ आपने लगाना है, अगर किसी, वैसे तो आजकल कस्टमर्स को खुद बहुत नॉलेज हो गया आके लोग चूज करते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है इंटीरियर गाइडेंस चाहिए तो वहाँ हम उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो इंटीरियर फोटोग्राफ्स लेके आए, अपने एरिया की इमेजेस लेके आए। परफेक्टली सूटेबल, आपने ना वो सवालों के भी जवाब दे दिए जो मेरे आने वाले सवाल थे। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड नाउ बिकॉज मैंने व्यूअर्स को देखा है, मैंने शॉप्स में स्टोर्स में देखा है लोगों को जाते हुए, और वहाँ पे जाते हैं और वो रोल्स को जस्ट जैसे कीप ऑन आस्किंग वो दिखा दो वो दिखाना शेल्फ में से। सो व्हाट यू बेसिकली आर ट्राइंग टू से कि आप अपना माइंड मेकअप करके जाएं कि आपको किस तरह का चाहिए, इन केस कोई कंफ्यूजन है तो आपसे बात कर सकते हैं वो राइट। कि कस्टमर्स यहाँ पे आके ना वॉलपेपर्स बहुत सारे होते हैं, हजारों डिजाइन हैं इसमें जी, तो कंफ्यूज होते हैं मैम ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है नहीं वो दिखाओ वो दिखाओ, बट ठीक है आप देखिए बहुत सारे
डिजाइन से आप थक जाएंगे देख देख के, बिल्कुल, लेकिन आपके रूम में कौन सी चीज अच्छी लगेगी, आपके एरिया में कौन सी चीज सूट करेगी, इसका होना बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल, बहुत जरूरी, बिल्कुल, जैसे गार्मेंट्स का ही होता है कि आपको जरूरी नहीं कि जैसे कि कपड़ों का हर कपड़ा हर एक के ऊपर सूट नहीं करता, करेक्ट, हर कलर हर एक के ऊपर सूट नहीं करता जी। तो सबके फ्लैट्स का भी वही है आजकल, है क्या फ्लैट्स भी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे हाइट्स कम होती जा रही है जी, तो उस वो भी एक मैटर आ जाता है कि उसमें भी किस तरीके का वॉलपेपर हम स्ट्राइप्स देते हैं तो वही रूम लंबा लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है। बिल्कुल, तो यहाँ गाइडेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और एक इनपुट है जो मेरे एंड से है बेसिकली, और मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में भी ये सीखा है कि फोकल पॉइंट और फीचर वॉल या बनाते हैं या असेंट वॉल बनाते हैं अपने रूम में, तो आपके जो इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं चाहे प्रोफेशनली या फिर हॉबी के लिए या अपने घर के लिए, तो वॉलपेपर और फर्नीचर में सोफाज़, ये दो चीज़ें आई थिंक आपकी 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं इफ़ दे आर चोजन करेक्टली। 50% प्रॉब्लम इन्हीं से सॉल्व हो जाती है। अगर आप राइट वॉलपेपर ले लें तो वो आपका सेंटर पॉइंट बनता है, आपकी पूरे घर की स्टोरी डेकोरेशन डिज़ाइन आइडिया वहीं से स्टार्ट होता है। राइट, तो हम भी अब अपनी एक डिज़ाइन आइडियाज़ को स्टार्ट करते हैं, आपके साथ चलेंगे और कुछ वॉलपेपर देखेंगे अभी। ऑल राइट, ठीक है, चलिए तो हम कुछ वॉलपेपर देखें। ठीक है, राइट, सो सफलता जी बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास वॉलपेपर्स होते हैं, वॉलपेपर्स में भी क्योंकि वॉलपेपर्स में 2D 3D 4D कस्टमर को कन्फ्यूजन रहता है किस तरीके के वॉलपेपर्स हैं, तो आज मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी अपने कस्टमर्स को कि अगर वो अपने रूम में जैसे सपोज कीजिए आपका 2BHK है, दो कमरों में आपने वॉलपेपर लगा लिए बट ऑफर्स आप ड्राइंग रूम में चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो जी। तो वहाँ LED पैनल या कोई भी आपका छोटी वॉल है तो इस तरीके से आप कस्टमाइज वहाँ पे आप बनवा सकते हैं, पर स्क्वायर फिट के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं जी। सपोज कि ये 10x10 का आपका एरिया है, तो आपका 100 स्क्वायर फिट हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर साइज चाहिए होता है, डिजाइन चाहिए होता है, okay. और इस तरीके से आपका पैटर्न पूरा रेडी हो जाता है। इसमें आप नेचर से रिलेटेड लाइक सिंगल इमेज बुद्धा वगैरह की या बच्चों से रिलेटेड किड्स का रूम है तो वहाँ इस तरीके की डिजाइनिंग आप उस जगह पे दे सकते हैं, उस वॉल को इनहांस कर सकते हैं। ये जनरली इमेजेस का सोर्स क्या है, शटरस्टॉक वगैरह जैसे वहाँ से लेना होता है? हाँ, शटरस्टॉक पे इमेजेस क्योंकि बाय करना होता है तो है, तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस अच्छा, रहती हैं आपके पास भी। इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो लोग क्लियर नहीं करते, मेन ये चीज होती है कि हर इमेज का प्रॉपर आना यानी कि 3D इफेक्ट आना। मैं एक चीज और बताऊंगी, कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं मैम फोटो लेके आएंगे और बोलेंगे मैम इसमें तो देखिए प्रॉपर उभरा हुआ है जी, ये तो फ्लैट है, तो हम किसी भी इमेज को जब 3D को देखते हैं अपना कैमरे में वो चीज थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई हमें दिखती है जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कस्टमाइज वॉलपेपर भी प्रिंटिंग ही होती है, इस तरीके से प्रिंटिंग ही होती है, इसका क्लियर होना। कुछ इमेजेस हमारे पास जो रहती है सक्सेस सीरीज के नाम से हमारी अपने कैटलॉग्स हैं, अच्छा, उसमें जो डिजाइन मिलेंगे आपको वो ऐसे मिलेंगे जो बनने के बाद भी लुक उसका प्रॉपर आएगा। ओके, क्योंकि हर इमेज क्लियर प्रिंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड इनपुट है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हर जो वॉलपेपर है हर इमेज जो है वॉलपेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जो कस्टमर्स को नहीं पता होती जैसे आप ये देख रहे होंगे नीचे इसमें सोफा आया हुआ राइट राइट, तो हमें इस तरीके की इमेज लेनी होती है रूम में कि बेड रखा है और बच्चों मतलब पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चों की इमेज हो या फिर कोई भी कार्टून इमेज हो वो बैक साइड में हो तो हम उसकी पूरी फिगर को दिखा सकें जी जी, उसके लिए कस्टमाइज का यही चीज होती है कि हमें उसमें प्रॉपर साइजेस वगैरह सब चाहिए होता है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि वो पीछे छिप जाएगा, इसलिए कट हो जाएगा और पीछे छुप जाएगा। ओके, ये जनरली क्या स्क्वायर फीट में बन जाते हैं कस्टमाइज जो है? प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसका 45-50 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी पेपर क्वालिटी होती है जैसे वॉलपेपर में क्वालिटी होती है ऐसे ही इसमें भी क्वालिटी होती है। इसमें आपका अगर हम जाते हैं HD में तो उसके अलग प्राइसेस होते हैं, नॉन वुवन पेपर के अलग होते हैं, ग्लिटर के अलग होते हैं, तो जिस तरीके से पेपर क्वालिटी आपकी बढ़ती जाएगी उसके प्राइसेस भी उसके बढ़ते जाएंगे। ओके, और इसके प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं जी, इनमें भी क्रिएटिव इनपुट आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक आपके जस्ट पीछे है वेरी सटल एंड सोबर, आई थिंक ये ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट एरियाज के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अगर आपको हाँ बिल्कुल जैसे कि आप सोचिए कि शोरूम है आपको जी, तो लोग वहाँ के लिए वॉलपेपर्स ले जाते हैं, नए स्टोर्स रेडी करा रहे हैं वहाँ के लिए ले जाते हैं, केबिन्स वगैरह के लिए लेते हैं, ऑफिस वगैरह के लिए लेते हैं। इस तरीके के टेक्सचर्स जो वॉल पे यूज होते हैं उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको डिस्प्ले क्या करना है। आप वॉलपेपर ले रहे हो सिर्फ वॉल को कवर करने के लिए, आपका जो प्रोडक्ट है सपोज कीजिए शूज का शोरूम है तो उन्हें शूज दिखाने हैं ना कि वॉलपेपर।
तो वॉल से सिर्फ हमने वॉल कवर करके इस पे लाइट टेक्सचर दिया लाइटनिंग के साथ, तो बहुत सुंदर लुक आता है. और इसके आगे आपका प्रोडक्ट जब आता है तो वो बहुत सुंदर लगता है. आज शायद इसीलिए लोग स्टोर्स वगैरह खोल रहे हैं, तो 99% लोग अपना वॉलपेपर से उसको कवर कर रहे हैं. ओके, आपने बड़ी अच्छी बात कही वैसे कि हॉस्पिटल्स, राइट, हॉस्पिटल, टेम्पल्स, होम्स, जिम, स्कूल्स, सैलॉन्स, बुटीक, आई डोंट थिंक कोई ऐसी जगह बची होगी जहाँ पे आप वॉलपेपर नहीं लगते हो ना. उसको नॉलेज नहीं है, उनके लिए बची हुई है. बट हाँ, क्योंकि अब 2-3 साल के अंदर मैंने खुद ही ये चीज़ देखी है कि वॉलपेपर का छोटे छोटे शहर से जो लोग हमारे पास आते हैं वो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ. राइट, आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ वहाँ तक पहुँच पा रही है, और छोटे शहरों से जो लोग उठ के आते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जी जी, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है. बिल्कुल ठीक बात है. और राइट, हम अब कुछ और प्रिंट्स देखेंगे और उनकी क्रिएटिव एस्पेक्ट देखेंगे. वॉलपेपर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉलपेपर्स में बहुत सारे डिजाइन होते हैं. तब कस्टमर थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे ये रोल बड़ा है, इसका क्या मतलब है. इसका मैं बताती हूँ. नॉर्मली ये रोल जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये 21 इंचेस का रोल है जी. यहाँ ये 42 का हो जाता है. इसमें 2 और 3 की पैकिंग आती है, यानी कि इसमें भी 150 स्क्वायर फीट ही मटेरियल होता है. ओके, इसमें प्लस पॉइंट क्या आता है कस्टमर के लिए कि बहुत हाइट वाला एरिया है. फिक्सर्स के लिए भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें आपके ज्वाइंट्स कम आते हैं. जी, 21 के बाद रिपीट होना था जॉइंट, यहाँ 42 के बाद होगा. जाहिर सी बात है, आप छोटे रोल्स लगाएंगे तो जॉइंट्स ज्यादा होंगे. और डिजाइंस की बात करते हैं तो इसमें डिजाइंस हम ये नहीं कह सकते, इसमें थाउजेंड्स में डिजाइंस होंगे. जी, इसमें आपके पास बहुत डिजाइंस होते हैं, और क्वालिटी उसकी इसकी बेटर होती है और इसकी भी बेटर होती है. जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये लगाइए. क्वालिटी पे तो आपने सफलता जी बताया था हमको शुरू में कि हम जो है प्रीमियम ए सेगमेंट में ही डील करते हैं. ओके, सो ये हमारे बड़े साइज़ के हैं. ये बड़ा अच्छा आपने बात बताई हमको कि अगर बड़े साइज़ के वॉलपेपर्स लेते हैं हम लोग रोल्स, तो उनमें प्रिंट्स, वो जॉइंट्स नहीं ज़्यादा दिखते. ओके, अब मुझे क्रिएटिव इनपुट भी देते जाइए. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको देखते हुए क्विकली कि ये कहाँ के लिए सूटेबल है, किस स्पेस की, किस वॉल के लिए. बताती हूँ, जैसे कि आजकल लोगों को 3D लगाने का बहुत शौक है. जी, तो इस तरीके से 3D वॉलपेपर है. जी, ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बाहर की तरफ निकला हो. राइट, बच्चे देख के उसको बहुत अट्रैक्ट होते हैं. जी, तो आप किसी भी स्कूल में ले सकते हैं. आपके एरिया, किस जगह आपको लगाना है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो और कॉम्बिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सपोज कीजिए इस कलर का वॉलपेपर है, उसके साइड में ब्लू पिंक कलर की वॉल्स अच्छी नहीं लगी. जी, उसके साथ लाइट हमें ग्रे, वाइट, लाइट ब्लू के शेड्स जो होते हैं, इस तरीके के शेड्स लेंगे तो ये वॉलपेपर और ज्यादा इन्हेंस करेगा. बाकी के जो 3 वॉल्स हैं उनके ऊपर हमें वैसा लेना होगा. आप टेक्सचर्स ले सकते, टेक्सचर ले सकते हैं. बनाना चाहते हैं तो इसी के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी कि प्लेन वॉलपेपर्स होते हैं उसको आप कवर कर सकते. जी, एक बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो आपने हमें लास्ट टाइम भी बताया था कि एक आपका फीचर वॉल होता है जो इससे बनता है, बाकी के 3 वॉल्स पे जो वॉलपेपर लगते हैं वो प्लेन होते हैं, और ऑल 4 वॉल्स पे ही आजकल वॉलपेपर लोग लगा रहे हैं. जो साइड वॉल्स होती हैं उसमें नॉर्मली हम जैसे व्हाइट कलर का या क्रीम कलर का पेंट कराते हैं. जी, पेंट को हमें 2-3 साल में फिर से कराना पड़ता. जी, तो वहाँ आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है, सपोज कीजिए, क्योंकि टेक्सचर्स की फील एक अपनी अलग ही होती है. जी, तो इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स हमारे पास आते हैं. सपोज कीजिए आपने ये वॉल को हाईलाइट किया जिसके आगे आपने बेड रखा या सोफा रखा. जी, अब साइड वॉल पे आपके पास टाइम नहीं है. आजकल टाइम के लेके सबको प्रॉब्लम है, कोविड के टाइम पे भी दिक्कत तो होती ही है. जी जी, आप नॉर्मली उस पर चाहे तो खुद भी, कस्टमर खुद भी हमारे पास से एडहेसिव लेके खुद भी वॉलपेपर लगा सकते हैं. अरे वाह, और अगर चाहें तो वो फिक्सर्स के थ्रू भी लगवा सकते हैं. आई पर्सनली सजेस्ट की रिकमेंडेशन करेंगे कि इंस्टॉलेशन से लगा लें, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी के हैं ये. मुझे तो डर लगता है, और लेकिन जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या जो लोग ट्राई करना चाहते हैं आते हैं, लेते हैं और खुद लगाते हैं. हाँ, ये एक तरीके से हॉबी भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर फिक्सर्स की नीड होती है, बाहर मोस्टली देखिए लोग खुद लगा लेते हैं. ओके, सो यू आर ट्रेनिंग पीपल, हाँ, अपना खुद का कर लें. एक मुझे वो रेड वाला और दिखा दीजिए प्लीज, मेरे को बहुत देर से उस पर निगाह थी. कलर का आपको ये डिजाइन दिखाते हैं. हाँ, एक पैटर्न बहुत सुंदर है, इसको डार्क कलर का लगाना है, किसी मैरिज हॉल में लगाना है या कहीं पे आपको लगाना है, तो वहाँ आप इस तरीके से स्पार्कल वाले डिजाइन ले सकते हैं. ओके, ठीक है. इस पे लाइट का वॉलपेपर लगाने के बाद लाइट का इफेक्ट, लोग कहते थे मैम मैंने वॉलपेपर लगा दिया लुक नहीं आया. वॉलपेपर का लुक तब आएगा जब उसके अकॉर्डिंग उस एरिया का इंटीरियर किया जाएगा, लाइट इफेक्ट दिए जाएंगे. ठीक बात है, इम्बोसिंग प्रॉपर निकल के आएगी. अब बाकी हम बात करते हैं 21 इंचेस के रोल की. इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख भी रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आपको दिख रहे होंगे. तो इस तरीके के सारे ही डिजाइन हमें मिल जाएंगे, किसी को लाइट में चाहिए हैं, कुछ इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स चाहिए जैसे कि आप ये देख रहे होंगे. तो इस तरीके के कलर्स लोग ले लेते हैं. इसमें प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है,
कि आप काफी सारी अपनी बेडशीट्स मतलब पर्टिकुलर आपने ब्लू लगाया, तो अब 5 साल के लिए आपका जब तक वॉलपेपर लगा आपको ब्लू ही कलर की बेडशीट्स चाहिए। जी जी, इसमें मल्टी कलर इंटीरियर यूज किया जा सकता है। ओके, आपका फर्नीचर भी ऑड नहीं लगता उसमें, आप कोई भी कलर का फर्नीचर रख सकते हैं, किड्स के रूम में आप यूज कर सकते हैं जी। बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे इसमें। ओके, जैसे हम बात करते हैं, हाँ जी, ये मैं देख रहा था, ये फैब्रिक का लुक दे रहा है बेसिकली जी। कुछ टेक्सचर्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया ना, टेक्सचर्स वगैरह जी, केबिन वगैरह में या कोई एरिया में आपको किसी एरिया में कस्टमाइज लगाना है, इसके ऊपर फ्रेम करा के लगाना है या कोई मूरल वगैरह लगाना है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर उस निश को रेडी करने के। ओके, ठीक है। जब भी हम वॉलपेपर शूट करते हैं सफलता जी, तो ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि हम सारे ही देख लें, बट जो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, नहीं, कस्टमर भी जब यहाँ हमारे पास आता है तो उनका यही रहता है कि मतलब उनके हस्बैंड इस डिस्प्ले में होते हैं तो वाइफ यहाँ से कहती है, नहीं नहीं ये देखो ये बहुत अच्छा है। तो कंफ्यूजन आता है, लेकिन मैं कस्टमर को यही कहूँगी, ये मत देखिए वॉलपेपर कौन सा अच्छा, ये देखिए कि आपके एरिया में कौन सा शूट करेगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ आपको यही देखना होता है बेसिकली कि आपके घर पे कौन सा कंफर्टेबल होता है, कौन सा सुंदर लगेगा। ओके, मैं एंड ऑफ द वीडियो सोचा था कि ये बात कहूँगा, लेकिन आई थिंक अभी राइट टाइम है कहने का, कि आई पर्सनली सजेस्ट आपके बारे में ब्लाइंडली आप जो है उनको अपना बजट बता दीजिए। जनरली ये रिकमेंडेशन हम इतना स्ट्रांगली नहीं देते हैं, बट आपके केस में एज ए क्लैपट्रैप एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप मैडम को बजट बता दीजिए, उनको लोकेशन बता दीजिए कहाँ प्लेस कर रहे हैं, शी विल गाइड यू परफेक्टली, है ना, ये मेरी गारंटी है। हमारे लिए भी, हमारा भी देखिए टाइम सेव होता है, टाइम को लेके कस्टमर की प्रॉब्लम है। राइट राइट, कुछ लोग तो अपना ऑफिस छोड़ के फटाफट मैम दिखाओ, क्योंकि मेरी वाइफ बोल रही थी कि आज हमें लेना है जी, तो देखिए टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं होता। करेक्ट, आप इंटीरियर इमेजेस जरूर प्लीज लेके आइए। श्योर श्योर, उससे हमें हेल्प मिल जाता है। बाकी इस तरीके के आप टेक्सचर्स देख रहे होंगे जो कि हम ऑफिस वगैरह में यूज कर सकते हैं, किसी भी एरिया में लगाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं पेंट की जगह पे। ओके, तो इसमें बहुत ही लाइट और बहुत अच्छे अच्छे टेक्सचर्स मिल जाएंगे आपको, इसमें हजारों डिजाइन आते हैं, सारे डिजाइन डिस्प्ले भी नहीं किए जा सकते, इसमें इतने डिजाइन आते हैं, इतनी वेराइटी आती है। ओके, तो इस तरीके के जिसको ब्लू चाहिए, क्रीम चाहिए, कोई भी कलर चाहिए उनका, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। एक सबसे बड़ा आजकल लोग वास्तु भी फॉलो करने लग गए हैं। अच्छा, वास्तु का कोई कनेक्शन है वॉलपेपर से? नहीं, वास्तु का वॉलपेपर से कनेक्शन नहीं, बट कुछ लोग हमारे पास आते हैं, मैम हमारा रूम का ये वास्तु वालों ने ये बताया, ये जोन है, ये है, तो उसके कलर्स का आ जाता है। ओके ओके, किस जोन में कौन सा कलर यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको टेक्सचर्स की। टेक्सचर्स में आप ये देख रहे होंगे, वो मैंने आपको दिखाया 42 में, 21 इंचेस में आपको टेक्सचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास 500 रुपए से लेके 5000 तक की रेंज रहती है। अब हर इंसान देखिए 800 का नहीं लगा सकता, 2000 का नहीं लगा सकता, बिल्कुल। और जिसको प्रीमियम चाहिए वो प्रीमियम क्वालिटी ही लेंगे, तो सबका टेस्ट अलग है वॉलपेपर्स को लेके, सबका हर चीज। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के टेक्सचर्स आ जाएंगे आपके। अगर आप एक वॉल पे चाहते हैं कि हमें कोई प्रिंट नहीं देना वॉल के पीछे, हमारा वॉलनट कलर का फर्नीचर है, तो इस तरीके से आप उसके पीछे सिंपल एक टेक्सचर दे सकते हैं, बहुत सटल है। 5 साल भी अगर आपका लगा रहेगा तो आप बोर नहीं होंगे, रूम स्पेशियस लगेगा और आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं अपने रूम के इंटीरियर के लिए जी। और ये देखिए बहुत प्यारा है, ये ऑल 4 वॉल्स पे भी लगा सकते हैं ये वाला। ये 4 वॉल्स पे आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक वॉल को अगर आपने हाईलाइट कर दिया सपोज एक बहुत ही ब्राइट कलर के वॉलपेपर के साथ, तो आप पेंट की जगह इन 3 वॉल्स पे ये लगा सकते हैं जी। ठीक है, और मैं एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि जो वॉलपेपर के लोग कहते हैं इसकी फिक्सिंग कैसे होगी, तो फिक्सिंग तो हो जाएगी फिक्सर के थ्रू, लेकिन उसके चार्जेस जो होते हैं वो 300 रुपीज पर रोल होते हैं। आपके एंड से होता है वो सर्विस? हमारे पास से मिल जाएगा फिक्सर, फिक्सर सारे ही फ्रीलांसर्स होते हैं। ओके, फ्रीलांसर्स होते हैं और इनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जिस जगह का, जैसे सपोज कीजिए आप कहीं गुड़गांव है, तो आप कॉल कीजिए इनको, और ये अगर आपके पास आ जाता है, नहीं तो बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाते हैं। Okay. फिक्सर्स की कमी नहीं होती, कस्टमर को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैम फिक्सर का क्या होगा, फिक्सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्सर्स के नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, आपको 300 रुपीज पर रोल चार्जेस आप लगवा सकते हैं। Okay. सीलिंग का आई थिंक ये लोग 400 या 450 जो भी लेते हैं, जो दिल्ली NCR का प्राइस है। ओके, और जो लोग दिल्ली NCR के बाहर है, कुछ हमारे देखिए आज क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिक्सर्स भी होंगे। हाँ, सब जगह फिक्सर्स हैं,
आप जाइए अपने मार्केट में नॉर्मली सर्च कीजिए, बताइए किसी को फिक्सर का नंबर इजिली मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिक्सर की, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्सर सब जगह मिल जाते हैं। अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड हो बस, है ना, इस चीज का ख्याल रखें। बिल्कुल, हमारे जो फिक्सर्स हैं सारे प्रोफेशनल हैं जी, और जो मतलब इनका ट्रेनिंग होता है वो भी हम अपने सामने कराते हैं। ओके, उसके बाद क्योंकि इनके अगर कोई कंप्लेंट वगैरह हमारे पास तो नहीं आती जी। बाकी ये कि देखिए फिक्सर सब फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम पेंट लाते हैं और पेंटर्स को बुलाते हैं, सेम यहाँ ये कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट होता है कि उनको भटकना नहीं पड़ता, उनको उसी जगह से नंबर मिल जाते हैं जी फिक्सर्स के, और right. वो फिक्सिंग करा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द डिस्प्लेज, ये हम देख रहे थे कि जो कुछ वॉलपेपर हैं जो डिस्प्ले पे हैं, और अगर स्पेस के हिसाब से हम डिफाइन करें तो हमारे पास हर स्पेस के लिए हैं, और बच्चों के रूम के लिए हैं, टेम्पल के लिए हैं, जिम्स के लिए हैं, फ्लोरल हैं, शेवरन लाइंस हैं, स्ट्राइप्स हैं। बिल्कुल, आप स्कूल में लगाइए, क्योंकि पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो बोर होते थे कि मैम आएंगी वो पढ़ाएंगे, बट बॉस को भी इतना क्रिएटिव बना देते हैं कि बच्चे उसको देख के बोर नहीं होते, इवन वो अपने स्कूल में भी खड़े होकर अपने क्लासरूम के आगे ना सेल्फी लेने लग गए राइट मैम के साथ उसके साथ। तो ये चीज़ होने लग गई है कि वॉलपेपर आप स्कूल में लगाइए, हॉस्पिटल में लगाइए, किसी भी ऑफिस में लगाइए, किसी जिम एरिया में लगाइए, कैफे में लगाइए, हर तरीके के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे यहाँ रेड एंड वाइन में जी। और हर तरीके की रेंज मिलेगी, 500 से लेके 5000 की रेंज यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ जब भी कस्टमर हमारे पास से निकले तो मुस्कुराता हुआ निकले। आई कैन सी देयर इज अ कॉन्फिडेंस जी। नहीं, देखिए कोई भी बिजनेस हो, अगर कस्टमर का, क्योंकि मैं कस्टमर को सिर्फ कस्टमर नहीं समझती, उनका फेथ नहीं रखना चाहिए। तो अगर उनका फेथ रहेगा हमारे ऊपर, और अभी तक रहा भी है, और मैं अपने सारे कस्टमर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि अगर कस्टमर्स का सपोर्ट हमें जिस तरीके से अभी मिला है और उनका फेथ हमारे ऊपर है, ऐसे ही उनका फेथ हम आगे बनाए रहे और नए नए डिजाइन के साथ कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहे। हाँ, मैं समझ पा रहा था बेसिकली कि जब हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, और हमने देखा था कि फर्स्ट वीडियो हमने जहाँ की थी, और यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी रही, इसीलिए आज हम इतना बड़ा स्टॉक मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए भी अच्छी रही क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं ना, सच बताऊं, उन कस्टमर्स का भी हमें उनका फेथ नहीं टूटना चाहिए, उनका भी फेथ हमारे ऊपर है जी जी। जो आके बोलते हैं नहीं नहीं मैम हम पहले भी लेते थे और हमेशा लेते रहेंगे, इवन वो लोगों को बताते भी हैं जी, आते भी हैं। तो रीज़न यही है कि बिजनेस कोई भी हो लेकिन कस्टमर का सेटिस्फाइड होना और फेथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। ऑल राइट, अब नाउ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ जो वॉलपेपर्स हैं डिस्प्ले पे हैं, टोटल कितने डिजाइन्स हो जाते हैं ऑन एन एवरेज? देखिए अगर हम डिजाइन्स की बात करते हैं ना, उसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, हजारों डिजाइन्स होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, नीचे आप जैसे ये देख रहे होंगे हमारे पास फॉर्म पैनल्स, ये फॉर्म पैनल्स अगर आप इसको रेडी करना चाहते हैं तो इसको आप पेस्ट कर सकते हैं सेल्फ एडहेसिव, आपने पीछे से इसको निकाला, मैं आपको दूसरा पीस दिखाना चाहूंगी। ये जैसे आप देख रहे हैं वुडन टेक्सचर है, इस तरीके से आपने ये अपने वॉल पे अप्लाई करना है, तो इस तरीके से यहाँ से आपने नॉर्मल इसको पील किया और प्रेस कर दिया, कोई फिक्सर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इसकी कटिंग आप नॉर्मल ब्लेड से कर सकते हैं उस एरिया के हिसाब से। अच्छा, तो उस वॉल को आप रेडी कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी लाइफ है इसकी, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि उस वॉल पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गमिंग और मॉइस्चर आपस में नहीं मेल खाती, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारे लोग इसको छुपा के चलते हैं, और मैं इस वॉलपेपर में भी बोलना चाहूंगा जी कि वॉलपेपर जब भी आप पेस्ट करें प्लीज उस वॉल का स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होगी तो वॉलपेपर का लुक अच्छा नहीं आएगा। और पीओपी या प्राइमर करा के ही आप वॉलपेपर लगाइए, वॉलपेपर को आप प्लाई पे भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सनमाइका जैसे आप ये देख रहे हैं पीछे हमने प्लाई लगाया होता है, उसके ऊपर प्राइमर करा के ही आप कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा है। तो ऑफिस वगैरह में आजकल पार्टीशन वगैरह चलते हैं जिसके ऊपर पेंट नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप पार्टीशन देख के जहाँ सनमाइका टाइम कवर कम है तो आप सनमाइका का वहाँ यूज ना करके आप इस तरीके से वॉलपेपर लगा सकते हैं नॉर्मल प्राइमर करा के। ओके, क्योंकि मॉइस्ट एरिया पर अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं दे विल नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, है ना, वो ज्यादा लंबे नहीं चलते। इनफैक्ट पीवीसी जो आपने बताई शीट, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लैरिटी नहीं देते, आई एम सॉरी टू से दैट, बट लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट डन दिस, लोगों ने इस बारे में नहीं बताया कि अगर आप मॉइस्ट एरिया में इन पीवीसी पैनल्स को लगाते हैं तो पीछे बैक्टीरियल ग्रोथ होती रहती है और ये हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। आप अगर लगाना भी चाहते हैं तो उसको एक बार रिपेयर करा लीजिए, हाँ, उसके बाद इसको लगा सकते हैं।
और जनरली वो प्लम्बिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, थोड़ा सीपेज वगैरह होता है। एक दो रीज़न होते हैं मॉइस्चर का, ऐसा नहीं प्लम्बिंग से रिलेटेड ही होते हैं, रीज़न ये होता है कि पहले जो हमारे घर बनते थे उसमें बहुत देर जिसको हम बोलते हैं तराई वो की जाती थी, अब रीज़न क्या है टाइम सब पे कम हो गया, मकान और फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, तराई हो नहीं रही है, तो जब गमिंग के अंदर पानी जो होता है वो एकदम से सोख कर लेता है। अच्छा, ये भी एक रीज़न होता है कि ज्वाइंट्स जो कहते हैं लोग ओपन, लवली, तो वहाँ वो वॉलपेपर को ब्लेम करते हैं कि वॉलपेपर अच्छा नहीं था, तो शायद इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। अगर जो आप देखते हैं कि कोई स्मूथनेस नहीं है वॉल पे, तो वॉल पेपर क्या चीज़ है, जितनी प्लेन हम बेडशीट भी बिछाते हैं प्लेन होती है, और अगर उसके बीच में कुछ है तो हमें पता चल जाता है यहाँ से उठी हुई है, तो सेम वॉल पेपर में भी यही चीज़ आती है। ठीक है, ऑल राइट। अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता था कि इम्पोर्टेंट है, एक बार हम अंदर चलते हैं और वॉक एंड टॉक आपका स्टॉक देख लेते हैं, वहाँ पर कुछ और हम जो है वहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो भी पूछ लेते हैं। सो सफलता जी, वी हैव कम टू दी स्टॉक एरिया, क्या बोलते हैं आप इसको, स्टॉक एरिया, स्टॉक एरिया कह सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हालांकि इम्पॉसिबल है पूरा एरिया कवर कर पाना, फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आके हम खो जाते हैं आप ही नहीं कस्टमर्स भी खो जाते इतना बड़ा है ये। नेवरदिलेस, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है लोकेशन को लेके, हमने शुरू में नहीं पूछा था, अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हमें बता दें हमारे व्यूअर्स कैसे आपके पास पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा स्टोर जो ये कीर्ति नगर दिल्ली में है जी, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, अगर उनको एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो एक बार कॉल कर सकते हैं। और बाकी रही, अगर क्योंकि आज कोविड का टाइम चल रहा है और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जैसे नॉर्मली घर में रिटेल में लेना चाहते हैं, तो वो अपना ऑनलाइन हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको वेबसाइट लिंक देंगे, उसमें से आप जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और रेंज का वॉलपेपर आपको वहाँ मिल जाएगा, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे और GST होगी वो एक्स्ट्रा होगी, इस प्रोडक्ट पे 18% GST एक्स्ट्रा होती है। और जो भी कोरियर चार्जेस होते हैं, क्योंकि हर रोल का वेट अलग होता है, एक सेकेंड में आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे रोल के वेट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इस तरीके से रोल की पैकिंग आ जाएगी आपके पास। नॉर्मली 1 किलो से लेकर आपके पास 2-2.5 अलग अलग रेंज मतलब केजी का वेट आता है जी। तो जो भी आपका रोल का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके कोरियर चार्जेस होंगे। तो आप इस तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं बता दूं कि मुझे कैसे कन्वीनियंट था यहाँ पे पहुँचना, हमने गूगल पे डाला था SBI बैंक के यहाँ पे मानसरोवर रोड कीर्ति नगर पे, और उसके अगर आप SBI से बाहर निकलते हैं तो आप लेफ्ट ले लीजिए, फिर फर्स्ट लेफ्ट ले लीजिए, फिर लेफ्ट ले लीजिए, इनफैक्ट हम लोग SBI के जस्ट पीछे ही हैं, है ना। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, बैक साइड में है ये SBI के जी, और जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल सही बताया, और आई थिंक लोगों को भी अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, और इस तरीके से आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, पैन इंडिया हमारे पास सर्विस है, दिल्ली NCR में हम लोग इंस्टॉलर्स की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और बिजनेस से जुड़ने के लिए आप हैं, और क्रिएटिव सजेशन के लिए भी आप हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर्स, उनको मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने आज तक हमें हम पे फेथ किया है जी, आगे भी उनका फेथ हम उसी तरीके से रखें और नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आते रहें और वो अपने घरों को सजाते रहें। ओके, वंडरफुल, सो लाइक अ साइकिल वी हैव कंप्लीटेड, यहीं से हमने स्टार्ट किया था और हम यहीं पे एंड कर रहे हैं वीडियो का। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, आज आपने बहुत सारी हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए। वंस अगेन आई विल अश्योर दिस इज माई फेवरेट स्टोर Because I got wonderful reviews, मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन मुझे हज़ारों हज़ारों फीडबैक आए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव गिवन वेरी पॉजिटिव फीडबैक ऑन रेड एंड वाइन, माई फेवरेट स्टोर, आई लव रेड वाइन बट आई लव रेड एंड वाइन एज वेल। ओके, थैंक्स अ लॉट, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, स्पंकी, क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।